सो गाइस फाइनली आज की इस वीडियो में आपको रॉक लमा के ब्लॉक्स में यूज होने वाली 5 बैकग्राउंड म्यूजिक प्रोवाइड करने वाला हूँ। म्यूजिक डिटेल्स प्रोवाइड करने के साथ साथ इन सारे म्यूजिक का डाउनलोड लिंक और अपने वीडियोस में इन म्यूजिक को कैसे यूज करना है जिसे कि फ्यूचर में कोई भी कॉपीराइट इश्यूज ना आए वो सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। सो वीडियो को कम्प्लीट जरूर देखिएगा। एंड थर्ड वाले म्यूजिक मेरा फेवरेट होने वाली है सो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए अभी म्यूजिक को प्ले करते हैं। गाइज ये बैकग्राउंड म्यूजिक रॉक लमा की केदारनाथ के ब्लॉक्स में सुनने को मिलती है। ये केदारनाथ मूवी में जो नमो नमो सॉन्ग है उस गाने की फ्लूट कवर है और ये फ्लूट कवर आपको द बांसुरी वाला यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। इन सभी म्यूजिक का डाउनलोड नहीं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा। तो डाउनलोड नहीं आपको कहाँ पे मिलने वाली है सारी इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो में ही आगे बताने वाला हूँ, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट जरूर देखिएगा वरना आपके म्यूजिक डाउनलोड करने में बहुत दिक्कत आ सकती है। तो चलिए भी नेक्स्ट म्यूजिक की तरफ बढ़ते हैं। अरे गिर गया बहन, अरे क्या हुआ, मैंने बोला था ना ध्यान से चलाना। ये म्यूजिक आपको ऑडियो लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। म्यूजिक का नाम है समार बाय नेक्स्ट रूट। अमीर मजीद, एसके लाइफस्टाइल और कुछ क्रिएटर्स के ब्लॉग में भी आपको ये म्यूजिक सुनने को मिल जाता है। ये सॉन्ग कॉपीराइट फ्री तो है ही बट कॉपीराइट क्लेम से बचने के लिए आपको इस म्यूजिक की डिटेल्स एंड लिंक्स वगैरह अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन करना होगा। कैसे क्या कुछ करना है वो मैं आपको आगे डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बने रहिए, अभी नेक्स्ट म्यूजिक को प्ले करेंगे जो कि पर्सनली मेरा फेवरेट है। जुनू भूख लगा तो मेरे को बताना है। ए, मेरा भूभी क्यों चमक रहा है? हाँ नोटी नोटी कैसे हो भैया? अरे आपका आज मीठा है ना शायद। गाइज इस ट्रैक का नाम है तुम जो कि एक तमिल सॉन्ग है। ब्लॉग में इस गाने की रिमिक्स वर्जन यूज हुआ है। बहुए के ब्लॉग्स में भी आपको ये सॉन्ग सुनने को मिल जाएगा। ये रिमिक्स सॉन्ग का डाउनलोड नहीं आपको और एक सॉन्ग प्ले होने के बाद मिल जाएगी। तो चले भी नेक्स्ट म्यूजिक की तरफ बढ़ते हैं। लाइट शुरू होने से पहले सिलगुड़ी का प्यार चेक करो। 1 मिलियन जब हो जाएगा ना। ये म्यूजिक बी बराक के मन भरिया सॉन्ग का वायलिन कवर है। ये वायलिन कवर आपको यूडी स्ट्रिंग यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। चैनल का नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो वे लोग मैंने सारे म्यूजिक का डाउनलोड लिंक एक शॉर्ट वीडियो में दे रखा है। वो शॉर्ट वीडियो का लिंक आपको मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। मैंने कमेंट को पिन भी कर दिया है। उस शॉर्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे म्यूजिक का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। बट डाउनलोड करने से पहले वीडियो में इसे यूज कैसे करना है वो आपको जानना बहुत जरूरी है वरना आपके वीडियो में कभी भी कॉपीराइट क्लेम आ सकती है। तो चलिए पहले हम लास्ट म्यूजिक की डिटेल्स जान लेते हैं फिर मैं आपको वीडियो में म्यूजिक यूज करने का सही तरीका बताऊंगा। चैनल था जो कि कल ही उसका डेथ हो गया। न्यूज ये आ रही कि 300 की स्पीड में वो लोग रेस कर रहे थे कोलकाता से। गाइज इस BGM का टाइटल कुछ नावलो शुरुआत करके है। साइग्रेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको ये सॉन्ग मिल जाएगा। ये पांचों म्यूजिक में से सिर्फ समार म्यूजिक को छोड़ के बाकी सभी म्यूजिक में कॉपीराइट क्लेम आ सकती है क्योंकि ये बाकी 4 म्यूजिक कॉपीराइट फ्री नहीं है। तो इन म्यूजिक को यूज करने से पहले अभी मैं जो ट्रिक आपको बताने वाला हूँ वो आप जरा ध्यान से सुनना। तो कॉपीराइट क्लेम से बचने के लिए आपको ये 3 ट्रिक वीडियो में अप्लाई करना होगा। पहला, अब इनमें से किसी भी गाने को वीडियो में फुल यूज मत करना। 5-6 सेकंड के बीच में यूज करने के बाद कट करके फिर से थोड़ा गैप रख के सॉन्ग को यूज करना। दूसरा, अब गाने का नेम, लिंक, आर्टिस्ट नेम और चैनल का नेम वगैरह अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देना। और तीसरा, आप अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डिस्क्लेमर डालना, ये वाली। ये 3 चीज अगर आप अपने वीडियो में करते हो तो आपके वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आने की बहुत कम चांसेस रहेगी वरना आपके वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा फिर मुझे दोषी मत ठहराना। सो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गई होगी। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ तक आ गए हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।